वर्दी अट्रैक्ट करती थी कि हाँ ये वर्दी मुझे भी पहननी। तो कैसे तैयारी करनी चाहिए? हम ही उनको दिखाना है, हम उसके काबिल बन के दिखाएं कि खुद को साबित करना जरूरी है। उस लेवल तक जाना चाहते हो मतलब आप अपना एम चुनना कि यस मुझे बनना है, पैसेंस ये करना ही करना है, रास्ते अपने आप खुलते जा रही बात फिजिकल की सुबह उठना है। इंदिरा गांधी से भी बहुत अच्छा भाषण देती है, ये प्राउड फील करते हैं हम पर, तो मैं RPS की पोस्ट लेना ज्यादा पसंद करूँ। विद्यार्थियों को कैसे पढ़ना चाहिए? बड़ा जो है हमारा आत्मविश्वास है, इतना ये टारगेट है मैं इसको पूरा करूंगा, सक्सेस हो। दोस्तों आज आपको मिलवाने जा रहे हैं मिसिस संध्या बिश्नोई से। मिसिस संध्या बिश्नोई सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस में हैं और उन्होंने किस प्रकार से इस पद को प्राप्त किया, क्या संघर्ष रहे और उनकी सफलता को प्राप्त करने के बीच में क्या परेशानियां आई, ये सब उनसे जानेंगे। और कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें अभी SI का जो इंटरव्यू है उसको किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, कैसे पुलिस की और भर्तियों की तैयारी करनी चाहिए, ये भी उनसे मार्गदर्शन लेंगे। मैडम स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अतुल RS ऑनलाइन में। मैडम जैसा कि हम तैयारी करवाते हैं तो बच्चों को पूरा आपसे मार्गदर्शन के लिए सबसे पहला हमारा प्रश्न ये रहेगा कि आपने मैडम पढ़ाई कहाँ से की, आपकी शुरुआती पढ़ाई से लेकर आपके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कहाँ और कैसे हुई? मैं उनेतर LNP, मेरा छोटा सा गांव है जो गंगानगर राजस्थान में पड़ता है। मैंने मेरे गांव से ही शुरुआत की थी पढ़ाई की, और जैसे कि हम सात बहनें हैं तो शुरू में जो मेरी बहनें थी उन्होंने नहीं पढ़ा, चार बहनों ने, उसके बाद हम तीन बहनें पढ़ी लिखी हैं। और इसके बाद में पास के ज़िले में, मेरे ज़िले में मैंने चौधरी बल्लूराम गोदारा कॉलेज से BA किया, MA किया। और जब मैं MA कर रही थी तभी मतलब सब इंस्पेक्टर पे पेपर आ गए तो साथ ही साथ उसकी भी तैयारी करी, और ये मेरा शुरुआत रहा। और इसमें मैडम आपकी पढ़ाई की शुरुआत तो इस प्रकार रही, और उसके बाद मैडम आपने पुलिस जो विभाग है इस डिपार्टमेंट को चुना, और इस डिपार्टमेंट में माना जाता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं और महिलाएं ज़्यादा इस डिपार्टमेंट में आना अगर उनसे राय ली जाए तो पसंद भी नहीं करती हैं। मैडम आपने ये डिपार्टमेंट चुना तो इसका कोई विशेष लक्ष्य जो आप इस डिपार्टमेंट में आकर भारत के लिए, अपने देश के लिए या किस क्षेत्र में आप कुछ करना चाहते हैं तो इसका क्या लक्ष्य रहा, क्या किस वजह से आपने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया? मैंने इसलिए ये डिपार्टमेंट चूज़ किया क्योंकि सबसे पहले जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मुझे पुलिस का, आर्मी का मतलब बहुत क्रेज़ था। जैसे पुलिस वाला को दिख जाता तो हाँ मुझे यूँ लगता कि हाँ ये वर्दी मुझे भी पहननी है। मैं भी मतलब एक दिन इस प्रकार से एक मतलब इस मुकाम तक पहुँचूंगी, लोग मुझे भी देख कर यूँ कहेंगे कि वास्तव में एक मतलब बहुत रेपुटेटेड पोस्ट पर हैं, लोग भी मुझे मतलब किसी नाम से जानेंगे, मेरे रुतबे से जानेंगे। मैडम आप यहाँ तक पहुँचे, सब इंस्पेक्टर एक अच्छी पोस्ट है और ज़िले में जहाँ आपकी पोस्टिंग है हमने जब जाना तो माना जाता है कि आपको एक दबंग ऑफिसर के नज़रिए से लोग देखते हैं, तो आपने जो विभाग में आकर के आपने जो एक्सपीरियंस लिया, महिलाओं की स्थिति क्या है, समाज की स्थिति क्या है, समाज को क्या ज़रूरत, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ समाज के लिए इस वक्त क्या लग रही है, ये जानना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आज के टाइम महिलाओं की जो स्थिति मैंने देखी है, अभी मैं पिछले करीबन एक साल से महिला थाने में पोस्टेड हूँ, तो मैंने इसे देखा है कि मतलब आज भी महिलाएं हैं जो संघर्ष कर रही है, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कोई काम नहीं कर रही है या कोई मतलब अपनी कोई सिर्फ अधिकारों की मांग कर रही है, वो काम भी कर रही है और बच्चे भी पाल रही है, बाहर का काम भी संभाल रही है, घर का काम भी संभाल रही है, सब काम कर रही है। उसके बावजूद भी वो मतलब घर के जो छोटी छोटी घरेलू बातें या यूँ कह लो जो अपनी परंपराएं चली आ रही है कि महिलाएं बाहर नहीं जाएगी, महिला ये नहीं करेगी, महिला ये है, महिला वो है, वो चली आ रही है कहीं ना कहीं। हालांकि बहुत बदलाव आया है लेकिन फिर भी मतलब अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। मैडम आपका कोई सजेशन, इन रूढ़ियों से कैसे हमारा समाज ऊपर उठेगा, शिक्षा के साथ या फिर कोई और रास्ते भी हैं जिससे ये सब दूर हो सके, आपके नज़रिए में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी सोच है इस रूढ़िवादिता से निकलने में हमें शायद हो सकता है बहुत टाइम लगे, क्योंकि हमारे जो एक क्या कहते हैं कि ये जो परंपराएं हैं ना वो इजीली नहीं टूट पाती हैं, तो हमें ये समझना होगा कि उनकी क्या सोच है और उस सोच से हम उनको मतलब कैसे निकाल सकते हैं। विरोध करना या किसी से लड़ाई झगड़ा करके हम कभी भी मतलब किसी चीज़ से उभर नहीं सकते हैं, तो हमें उन लोगों को इस धारा में मतलब जो पुराने हैं, मान लो मेरी दादी है, नानी है, चाची है, ताई हैं, तो उन लोगों को
अचानक से एकदम की तुम ढूंढ छोड़ दो, ये कहना बहुत टिपिकल रहेगा हमारे लिए। तो उस इस धारा में लाने के लिए पहले हम ही उनको दिखाना है कि हम महिलाएं क्या कर सकती हैं, हम महिलाएं भी पुरुषों के बराबर चल सकती हैं, सिर्फ मतलब अधिकार हमारे हैं तो हमारी कुछ कर्तव्य भी हैं, हमें जो पोस्ट मिली है, जो हमें मतलब काम मिला है, तो हमारा मतलब कर्तव्य है कि हमें जो पोस्ट मिली है हम उसके काबिल बन के दिखाएं कि हाँ हमें आज मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। तो अगर मैं सब इंस्पेक्टर यूँ कह दूँ कि नहीं मैं तो महिला हूँ मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगी, तो क्या लोग मुझे मतलब एज ए सब इंस्पेक्टर स्वीकार करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे वो आपको। तो आप अगर मतलब उस लेवल तक जाना चाहते हो तो पहले खुद को साबित करना जरूरी है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो मैडम बहुत से विद्यार्थी हमारे साथ जो हैं, हम आपको बताया था कि हम तैयारी करवाते हैं, जुड़े हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं कॉन्स्टेबल की, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की और एसआई की भी। तो मैडम आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, जैसे इंटरव्यू अभी एसआई का बाकी है, किस प्रकार से वो तैयारी करें, फिजिकल की कैसे तैयारी करें, एग्जाम क्रैक कैसे करें और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप क्या करना चाहते हो, सबसे पहले अपना मतलब आप अपना एम चुनो कि भाई मैंने क्या सोचा, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या काम करना है। सबसे पहले मैं अपना प्रोफेशन चुनूँ, यूँ नहीं कि हाँ मुझे बस नौकरी करनी है तो मैं कुछ भी काम कर लूँगी, कल को फिर वो आगे जाकर आप पर बोझ बन जाती है। जैसे मैं मतलब बचपन से मुझे यूँ था कि मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगी, तो मैं आज सब इंस्पेक्टर मतलब पुलिस में जाना है, मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगी या आर्मी ऑफिसर बनूंगी, तो आज मैं वो हूँ तो मुझे हर काम वो करके संतुष्टि मिलती है कि भाई हाँ मैंने आज सब इंस्पेक्टर होकर ये किया है तो मैं मतलब अपने लेवल से सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। और दूसरी बात की अगर आप जब जिस पोस्ट पर जाना चाहते हो तो उस पोस्ट के लिए आपको मतलब सबसे पहले मन में ये करना कि यस मुझे बनना है, खुद की जो एक मतलब क्या कहते हैं कि एक पैसन इसके लिए कि मेरा बस यही मुझे ये करना ही करना है, सबसे पहले तो आपके मन में ये होना चाहिए। उसके बाद रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं, आपको खूब मतलब मिलेगा, पढ़ने के लिए भी मिलेगा, सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले मन मजबूत बनाइए। और रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल के लिए भी आपको वही सुबह उठना है, अपना जो मतलब शेड्यूल है वो रखना ही है, चाहे थोड़ा थोड़ा करके आप रखो लेकिन आप उसके लिए मतलब प्रिपरेशन रखो फिजिकल के लिए भी। जी मैडम, जैसे इंटरव्यू में जो कोई बहुत खास चीज़ें कुछ पढ़नी पड़ती हैं या सिर्फ आत्मविश्वास ही सब कुछ करता है मैडम, ये बच्चों का बता दीजिए। सबसे पहला तो आत्मविश्वास है, हालांकि हमें हर चीज़ की मतलब अपने जो इर्द गिर्द है, अपने जिस चीज़ से गुजरे हैं, मान लो हम किस समाज में रह रहे हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं, उसके संबंध में हमें सब कुछ जानकारी होनी चाहिए, मैंने क्या किया है, मैंने किस सब्जेक्ट के किया है, अपने सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए। और अपना जो मेनली जो आप जो बोल रहे हो उसको आप कैसे दूसरों तक पहुँचा पाते हो। मैडम आप यहाँ तक पहुँचे और प्रेरणा ही आदमी को लेकर आती है, कहीं भी अगर आदमी जाना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जाना चाहता है तो उसकी प्रेरणा उसके साथ काम करती है। तो मैडम आपने जैसे बता भी दिया कि आपको वर्दी देखते ही एक प्रेरणा मिलती थी, एक जज्बा आता था कि मुझे ये वर्दी लेनी है और मैं इसी क्षेत्र में काम करना चाहूँगी, मैडम कोई स्पेशल प्रेरणा स्रोत आपके रहे? स्पेशल तो वर्दी तो वैसे ही मुझे अट्रैक्ट करती थी, इसके अलावा जब भी मैं मतलब कोई भी लेडी ऑफिसर्स या कोई जैसे कि मेरे दादाजी जनरली यूँ कहते थे कि इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के भाषण जो हैं वो कभी सुना करो, लेडी होते हुए भी इंदिरा गांधी बनी हुई थी। जैसे मैंने कोई स्कूल में छोटा सा कभी भाषण दिया था 7-8 में, तो मेरे दादाजी बहुत खुश हुए थे, तो लोगों को यूँ कहते थे कि इधर आओ आप भी सुनाओ इनको, इंदिरा गांधी से भी बहुत अच्छा भाषण देती है ये। तो जनरली जैसे इसे बताना कि हाँ लेडीज़ कुछ है स्पेशल और वो करती है तो लोग उसको स्पेशल मतलब फील कराते हैं कि हाँ उसने कुछ किया है, और फिर एक आत्मसंतुष्टि भी होती है कि हाँ हमने मतलब ऐसा कुछ किया है जिससे हमारे परिवार वाले हैं वो मतलब प्राउड फील करते हैं हम पर। तो मैडम आपने जैसा कि बताया महिलाओं की स्थिति पे भी बताया, तो मैडम आपका जो सपना था, आपका सपना था देश की सेवा करना, तो मैडम आप ऐसा ही बन चुके हैं, आप वो कर भी रहे हैं, तो मैडम क्या आप अपनी इस यहाँ तक आकर संतुष्ट हैं या अभी आपका सफर जारी है, आप और आप कुछ करना चाहते हैं? यहाँ आने का मकसद ये नहीं है कि मेरा लक्ष्य पूरा हो गया या मैं मतलब संतुष्ट हूँ, हाँ मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरा यहीं से तो मेरा जो उद्देश्य है वो शुरू होता है कि मैं किसी के लिए अच्छा कर पाऊँ, मैं कभी किसी का गलत ना करूँ, मैं जो भी करूँ किसी की पीड़ित की सहायता कर पाऊँ, चाहे वो महिला के रूप में है या कोई भी पीड़ित है, अगर पुरुष है तो मैं उसकी भी मदद करना चाहूँ। ये नहीं है कि विशेष मैं महिलाओं के लिए ही कुछ करना चाहती हूँ, ये अलग बात है कि हाँ महिलाओं के प्रति इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अपने समाज में जो स्थिति है ना वो बहुत मतलब अप डाउन है, तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा महिलाओं पर विशेष ध्यान रहता है मेरा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगी कि वास्तव में जो पीड़ित है उसको मैं राहत पहुँचाऊँ और जो कानून सम्मत है मैं वो करूँ।
तो मैडम आपका मतलब जैसा कि सुनने में भी आया कि आपने आरएएस के भी एग्जाम, आरएएस प्री का भी आपने क्रैक किया था, तो मैडम आपका प्रशासनिक सेवाओं में जाने का भी कोई आपकी रुचि है या? मैं प्रशासनिक सेवा में भी जाना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऐसा है कि वर्दी है जो मैं ये चाहती हूँ, अगर मैं प्रशासनिक सेवा में भी जाऊँगी तो मैं आरपीएस की पोस्ट लेना ज़्यादा पसंद करूँगी। ओके मैडम, धन्यवाद मैडम आपने ये बताया। इसके साथ मैडम आप हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ समाज के लोग हैं, विद्यार्थी है, तो आप मैडम उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, विद्यार्थियों को कैसे पढ़ना चाहिए, समाज के लोगों को अपने समाज में क्या भागीदारी निभानी चाहिए, ये चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। मैं आज इस मंच से सबसे पहले तो महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि हमें सब अधिकार मिले हैं और उन अधिकारों के साथ साथ हमें हमारे कर्तव्य भी समझने पड़ेंगे। उस दिन जा कर के हमें मतलब ये जो बराबरी का दर्जा दो, लेकिन हमें इस भेद को मिटाना है कि भाई हमें अधिकार दे दिए हैं तो हमें उस कर्तव्य को भी समझना है और उस मतलब आपको जो काम दिया है उस काम को भी आप करके दिखाओ कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। सिर्फ मांगने से अधिकार नहीं मिलता है, आपको जो दिया गया है उसको करके भी दिखाओ। जब आप करके दिखाओगे तब आपको मतलब वो लेवल मिलेगा, अधिकार अपने आप मिल जाएंगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मांगने से तो वो कहते हैं कि मृत्यु भी नहीं मिलती है। मैडम विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अभी जो है अभी अब देख भी रहे हैं नशे में भी जो लड़के और लड़कियां विद्यार्थी जा रहे हैं, वहां से निकलकर किस प्रकार से उनको क्या करना चाहिए कि वो उनकी रुचि इस तरफ बने? सबसे पहले तो हमें हमारे वही है कि मैं ये कहना चाहूँगी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सबसे बड़ा जो है हमारा आत्मविश्वास है। मुझे कभी भी किसी भी स्टेज पर यूँ नहीं लगा कि भाई मुझे ये नहीं करना है या मैं ये नहीं कर पाऊँगी। मैं मतलब हमेशा मैंने सोचा कि मुझे ये करना है, मैंने मतलब जो एक बार मन में ठान लिया और उसके लिए अगर मैंने काम किया है, मेहनत भी ज़रूरी है, आप सोचते हो उस काम को निभाओ। जब आप उस मान लिया मैंने सोच लिया कि आज मैं इतना ये टारगेट है मैं इसको पूरा करूंगा, अगर आपने पूरा किया तो आप ये मानो कि आप सक्सेस होगे और हर हालत में हर सूरत में सक्सेस होगे। मैडम आपने अपना इतना कीमती समय दिया, आपने विचार और आपकी जो सजेशन थे हमारे दर्शकों के बहुत काम आएंगे, लाभदायक भी सिद्ध होंगे, इसके लिए मैडम हमारी पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है। थैंक यू, और मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे आपने ये मौका दिया और इस काबिल समझा कि मुझे स्टूडियो में आने का मौका दिया।